Welcome to this channel. Here is Amna Maimon. In this lecture, we are going to talk about the history of the enzymes. So without further ado, let's dive into deep. तो अगर हम देखें तो पहले पहले डिस्कवर किसने किया था एंजाइम को, तो हमारे पास ये आता है एंसलिम पायन ने. तो इसको हम सिंपली पायन के नाम से जानते हैं. पायन ने ही जो है पहला एंजाइम डिस्कवर किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, डायस्टेज कहते हैं. तो डायस्टेज इज़ द फर्स्ट एंजाइम विच वॉज डिस्कवर्ड, राइट. तो ये कब हुआ था, 1833 में हुआ था. किसने किया था, पायन. मतलब इसका ये है कि पहले पहले डिस्कवर एंजाइम किसने किया था, पायन. मगर उस वक्त एंजाइम का नाम एंजाइम नहीं था. हमने पढ़ा था कि एंजाइम का नाम किसने डिस्कवर किया था, विलियम कुन्हे ने डिस्कवर किया था. और उसी ने डिस्कवर किया था किस सदी में, 1833 के बाद ही जो है विलियम कुन्हे ने एंजाइम का नाम डिस्कवर किया था, ठीक. तो उससे पहले जो है, उससे पहले भी हमारा एक इवेंट होता है जिसमें लुईस पाश्चर ने क्या देखा था कि यीस्ट जो है, यीस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई की किंगडम से बिलोंग करती है, ये क्या कर रही थी, अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज़ कर रही थी जो कि शुगर, हमारे घर में जो चीनी मौजूद होती है, शुगर को किस में कन्वर्ट कर रही थी, अल्कोहल. अब अल्कोहल की भी टाइप्स होती हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपेनॉल. तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर रही थी, ठीक है. इसके बारे में डिटेल में, अल्कोहल के बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे. तो ये किसने डिस्कवर किया, लुईस पाश्चर ने. तो ही केम इन टू द कंक्लूजन दैट कि ऐसी कोई वाइटल फोर्स है जो कि यीस्ट को फोर्स कर रही है कि ऐसे केमिकल रिलीज करने पर, और वो क्या कर रहे हैं, केमिकल्स शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उसने उसका नाम क्या दिया, उसने क्या किया, उनको फर्मिन का नाम दिया, right. After some decades, when studying the fermentation of sugar to alcohol by yeast, Louis Pasteur concluded that this fermentation was caused by a vital force contained within the yeast cells called ferments. मतलब yeast cells के अंदर कोई ऐसी vital force मौजूद है जो कि sugar को alcohol में convert करने में help कर रही है, ठीक है. और उसके बाद जो है हमारे पास जर्मन फिजियोलॉजिस्ट आता है विलियम कुन्हे, जिसने टर्म एंजाइम को दरियाफ्त किया, एंजाइम, ठीक है. एन मींस, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, एन मींस इन, जाइम मींस ईस्ट, मतलब जाइम के अंदर, जाइम के अंदर मतलब ईस्ट के अंदर ऐसी कोई चीज़ वाइटल फोर्स है जो कि उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है शुगर टू अल्कोहल, राइट. उसके बाद हमारे पास एक द वुड एंजाइम वॉज यूज लेटर टू प्रिफर टू नॉन लिविंग सब्सटेंसेज सच एज पेप्सिन. तो जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेज थे, जैसे कि हमारे पास पेप्सिन, लाइपेज आता है, उनको रिफर करने के लिए हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है. और जो फर्मेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको फर्मेंट कहते हैं, या जो प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं. जैसे कि बफेलोज का वगैरह के अंदर जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें बैक्टीरियाज जो है उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं. तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ कर रहे हों, अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो अगर बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है किसको, मैक्रोमोलिक्यूल को या स्मॉल मॉलिक्यूल, या कन्वर्जन कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे या फर्मेंट कहेंगे, ठीक है. तो केमिकल एक्टिविटी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करें, जैसे कि यीस्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको भी क्या कहते हैं, हम फर्मेंट कहते हैं. मगर अगर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए जो केमिकल एक्टिविटी हमारे पास मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, सही है, एंजाइम कहते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट एंजाइम कौन सा था, हमने पढ़ लिया उसके बारे में, वो था डायस्टेज. डायस्टेज जो है ये हमें क्या करता है, ये हम डायस्टेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस, ठीक है. स्टार्च हमारे पास प्लांट रिजर्वायर है, ऑफ रिजर्वायर फूड का जो है वो स्टार्च होता है. जैसे कि ह्यूमंस में ग्लाइकोजन होता है, प्लांट्स में स्टार्च होता है, ठीक है, एज अ रिजर्वायर ऑफ द फूड. तो ये क्या होता है, माल्टोस में कन्वर्ट होता है. माल्टोस जो है वो जैसे कि हमारे पास सक्रोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, और हमारे पास ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज है. तो ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन जो है वो हमारे पास माल्टोज होती है, ठीक. तो माल्टोज को जो है, या शुगर में इसको कन्वर्ट कर रहा था, मतलब ये स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है, ये माल्टोज डाईसेकेराइड है, तो इसको कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है. डायस्टेज एंजाइम किस में पाया जा रहा था, माल्ट में,
माल्ट एक जर्मिनेटेड सीरियल ग्रेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने देखे होंगे माल्ट को, जो कि किस प्रोसेस के ज़रिए हम सुखाते हैं, माल्टिंग के ज़रिए। ठीक, अब हम अगर फर्मेंटेशन के बारे में थोड़ा सा अगर इसकी इन्फॉर्मेशन हम बढ़ा लें, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस जिसके ज़रिए से ग्लूकोज या जो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है ब्रोकन डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, या ब्रोक डाउन होता है तो एनारोबिकली, मतलब विथाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल है जिसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, तो हमने पढ़ा कि शुगर से क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रही थी। अल्कोहल कौन सी थी हमारे पास, इथाइल अल्कोहल, किसकी मदद से, यीस्ट की मदद से। तो यीस्ट यहाँ पे क्या हुआ, यीस्ट यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, एक फर्मेंट हुआ, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, तो ये क्या कर रहा है, फर्मेंट है। अगर हमारे पास नॉन लिविंग पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन क्या कर रहा है हमारे पास, कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन को, कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में। या प्रोटीएस की बात करें, प्रोटीएस क्या कर रहा है हमारे पास, प्रोटीएस की बात करें तो अब प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में, तो ये क्या है, एक नॉन लिविंग है प्रोटीएस, तो ये क्या है, एंजाइम है, यहाँ पर फर्मेंट हो रहा है। तो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कौन से प्रोसेस के ज़रिए हुआ है ये, अल्कोहल फॉर्मेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मदद से यीस्ट इथेनॉल जो कि अल्कोहल की टाइप है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, विथ उसके साथ एक प्रोडक्ट दूसरी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो सैनिटाइज़र है, हम यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र, उसमें भी अल्कोहल मौजूद होती है, कौन सी, आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। और ड्रिंकिंग में भी जो है, जो ड्रिंक वाली अल्कोहल होती है उसमें भी जो है वो इथाइल अल्कोहल या इथाइल इथेनॉल अल्कोहल होती है, जो कि 2 बिलियन पीपल जो है एवरी डे में जो है उसको इनटेक करते हैं। और ये जो टाइप है अल्कोहल की, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए बनती है यीस्ट को, यीस्ट के ज़रिए शुगर और स्टार्चेस को जो है ये फर्मेंट कॉज करते हैं, और इसके ज़रिए जो है ये हमारे पास क्या, अल्कोहल हमारे पास मुहैया होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइन को, जिसने पहला जो है एंजाइम को डिस्कवर किया था, डायस्टेज को, और इसकी बर्थ, इसकी जो लाइफ स्पेन थी वो 1795 से 1971 तक थी, फ्रेंच था, फ्रांस से इसका ताल्लुक था, फ्रेंच था, केमिस्ट था, मतलब केमिस्ट्री में इसकी महारत थी, और इसने डिस्कवर किया था पहला एंजाइम डायस्टेज। और इसका दूसरा भी काम था एक, वो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज का। ये हमारे पास मौजूद है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर को तो हम बहुत अच्छे गहराई से जानते हैं, इसने पाश्चराइजेशन की टेक्निक भी जो है ये डिस्कवर की थी। पाश्चराइजेशन, हमारे घर में जो दूध आता है हम उसको पहले जो है वो स्टोव पे रखते हैं, ठीक है, और उसको कुछ सेंटीग्रेड तक जो है, बल्कि 70-80 सेंटीग्रेड तक उसको जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल द पाश्चराइजेशन टेक्निक विच इज़ गिवन बाय द लुईस पाश्चर। तो इसने डिस्कवर किया कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, यही रिस्पॉन्सिबल हैं कि अल्कोहल सोरिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को सोर टेस्ट में ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसने जो है ये टेक्निक प्रोवाइड की फिर लेटर पाश्चराइजेशन, जहाँ पर बैक्टीरिया को किल किया जाता था, और मतलब जो बेवरेजेस थे या बेवरेजेस थे उनको हीट कर बैक्टीरियाज में उनको किल किया जाता था, और उनको फिर कूल करने के लिए रखा जाता था। तो इसने काम किया, जर्म थ्योरी में भी काम किया इसने, और वैक्सीनेशंस भी, रेबीज की एंथ्रेक्स की वैक्सीनेशन भी इसने ही दी थी। तो ही हैज़ अ ट्रीमेंडियस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम कुने है, विलियम फ्रेडरिक कुने, ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में भी नाम यही लिखा हुआ है, जिसने हमारा जो है टर्म कॉइन किया था, एंजाइम को टर्म कॉइन किया था।